बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले अहबाब को नेचुरल हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नहार मुँह क्या पीते थे और इसकी फजीलत और अहमियत क्या है। आज तहकीक ने साबित किया है कि सुबह नहार मुँह पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले सुबह नहार मुँह पानी नहीं बल्कि माउल हसल पीते थे। माउल हसल किस तरह बनता है और इसमें अगर एक और चीज़ शामिल कर ली जाए तो इसके क्या कमाल हैं, लेकिन पहले एक वाक़या। एक सहाबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे बेटे के पेट में सख्त दर्द है, दर्द से बच्चा तड़प रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे माउल हसल पिलाओ। वो सहाबी गया, बच्चे को माउल हसल पिलाना शुरू किया। दूसरे दिन सहाबी फिर खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि दर्द ठीक नहीं हुआ। आपने फरमाया, उसे माउल हसल पिलाओ। तीसरे दिन भी दर्द ठीक न होने पर आपने माउल हसल पिलाने को फरमाया। चौथे दिन सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, दर्द ठीक नहीं हो रहा। आपने फरमाया, आपके बेटे का पेट झूठ बोल सकता है लेकिन माउल हसल नहीं। पाँचवें दिन सहाबी के बेटे का पेट खुलकर साफ़ हुआ और दर्द ठीक हो गया। इस वाक़े से आपको माउल हसल की अहमियत और फजीलत का पता चल गया होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि माउल हसल किस तरह बनता है। एक गिलास पानी को नीम गर्म कर लें। अब इसमें एक चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। अगर इसके साथ 7 से 8 दाने कलवंजी के ले लिए जाएं, तो यकीन करें सारी ज़िंदगी आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमारा निज़ाम हाजमा ठीक रहता है और सारा दिन काम करने की ताकत मिलती है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स ज़रूर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस और टिप्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।